आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनैलिटी है, छोटी सी उम्र और बड़ी बड़ी बात आपको सुन के मज़ा भी आएगा और पैसे भी वसूल होंगे। राहीन फातिमा फ्रॉम इस्लामाबाद, क्या करने लगी है मुझे जानते हैं। जी राहीन। अच्छा, सो गाइस, मेरा नाम है राहीन फातिमा एंड आई एम 12 इयर्स ओल्ड। मैं एक कॉमेडियन, राइटर एंड एंटरप्रेन्योर और एक थिएटर एक्ट्रेस। तो हर मेरे क्लास आदमी सिर्फ दो वैल्यूबल पोजेशन होती हैं, गड्डी ते बुड्ढी। वो इन दोनों को बहुत अजीज रखते हैं और इन दोनों को चमकाते रहते हैं, लेकिन दिल में एक धीमी धीमी ख्वाहिश रखते हैं कि कार और बेकार को जल्द से जल्द बदल लिया जाए, यानी कार जैगुआर और बुड्ढी गुड्डी में बदल जाए। लेकिन गालिब ने क्या खूब फरमाया, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे काम। थैंक यू। Wow, amazing, wonderful. क्या बात है जी, and all the credit goes to this beautiful young man. Young? वो जो जैम नहीं आता, वो जैम के हवाले से यंग जैम। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप बड़े मजे के। मैं, मेरा नाम इम्तियाज है, मैं पाकिस्तान एयर फोर्स में होता हूँ, वहाँ पर जॉब करता हूँ। मेरे पास जो भी बाकी टाइम बचता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर करूँ ताकि वो पाकिस्तान की वैल्यू बन सके। अच्छा, आप क्या देखते हो, कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं आज जो आपकी एज में स्टैंडर्ड कॉमेडी कर रही हैं? अच्छा, तो आई एम द यंगेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बाहर है जो थोड़ा बहुत डर है, लेकिन उस पर पेरेंट्स डोंट वांट मी टू बी द स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडियन, क्योंकि मेरी अम्मा कहती है बेटा आप मराठी वाला काम करें। ठीक है, मेरी अम्मा सिर्फ के स्टैंड अप कॉमेडियन मराठी, बात तो कुछ सच है लेकिन है बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, लेकिन यहाँ रुसवाई नहीं है, दिस इज अ टैलेंट। देखें, आपको पता है कि जब भी कोई भी एक्टर कोई भी बात करता है, किसी भी बात के साथ बात को जोड़ता है, तो वो एक मशहूर बनने का जुमला था कि जिसे कहा था ऑल द वर्ल्ड इन द स्पेस। और मैं ये कहता हूँ कि जो किरदार होता है, किरदार दुनिया से किरदार के सामने माँ बैठे भाई बैठे पसंद करके उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो अपने किरदार में खड़े हैं ना। तो मराठी वो किरदार तो आप कह रहे, लेकिन उस किरदार का दुनिया से ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद वो अपने रोल प्ले कर रहा होगा। नहीं, बिकॉज हम जब थिएटर में होते हैं तो हमें कहते हैं कि हम स्टेज के ऊपर बैठते हैं, हम लोग सारे कहते हैं ठीक है, अपनी कपड़े शपड़े मारे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा डायरेक्टर प्रॉपर हम सारे बैठते हैं, हम अपना घर डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पे इसका कमरा होगा, यहाँ पे इसका कमरा होगा, यहाँ पे इसका कमरा, और ये जो स्टेज की वॉल होती है हमारी, यहाँ पे एक वॉल होती है, यहाँ पर टी वी लगा। अब हमारे में था एक विंडो थी, उसके बाहर हमारा बैकयार्ड नज़र आ रहा था, साथ मेरी बुक्स पड़ी हुई थी और काशी का माहौल पड़ा हुआ था। तो इस तरह ही आप उसके अंदर ही हो और वो आपका घर स्टोरी का खास तौर पर, जैसा आपको जो बात की थी कि ये तंग मजाक कर रहा हूँ आपको, मरासी भी उनको भेजी देखो सारे नो, क्योंकि जो स्टेज पे खड़ा है जो किरदार अदा कर रहा है उसका दुनिया से उसको कोई ताल्लुक नहीं। जब ये होगा तो आपके पास भी स्टैंड आएगी, आप मम्मा को भी कह सकते हैं, मम्मा जब मैं स्टेज पर उन्होंने आपको देखूँगी, सॉरी जब मैं बाहर आऊँगी गेटअप चेंज कर दूँगी, आपके गोद में बैठूंगी तब आपकी बेटी, पर जब मैं स्टेज पर हूँ तो मैं सिर्फ राहीन फातिमा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आपने इंटरव्यू लिया मेरे ऐसी बंदी। जबरदस्त, सो नाइस ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।